डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार गौरव, मार्टन क्लासेज। आज इस नए साल 2023 में ये मेरा पहला वीडियो है जो भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी से संबंधित है। आपको पता है कि बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति हुआ करते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद 1969 ईस्वी में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले बीबी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तब उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इस वजह से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। और उनके पद से इस्तीफा देने के बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला उस समय भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो इस तरह से 1969 ईस्वी में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में बीबी गिरी को जीत मिलती है और वो नीलम संजीव रेड्डी को हरा करके राष्ट्रपति बनने में सफल होते हैं। तो इन्हीं बीबी गिरी से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इनकी विचारधारा श्रमिकों से जुड़ी हुई थी, श्रमिक आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। हालांकि इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से जुड़कर की थी और 1952 ईस्वी में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी केंद्र में उसमें इन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें ये श्रम मंत्री बनाए गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यही कांग्रेस पार्टी बीबी गिरी का समर्थन नहीं करती है और वो नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी बीबी गिरी नीलम संजीव रेड्डी को हराने में सफल होते हैं, ये अलग बात है कि बहुत ही मामूली अंतर से बीबी गिरी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतते हैं। लेकिन खैर जो भी है, बीबी गिरी इस तरह से भारत के चौथे राष्ट्रपति बनने में सफल हुए। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बीबी गिरी से संबंधित। तो बीबी गिरी, अगर पूरे नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम इनका था बराह गिरी वेंकट गिरी। बराह, थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हो रहा है, बराह, इसको साफ करके फिर से लिखने का प्रयास करता हूं। बराह गिरी वेंकट, बराह गिरी वेंकट गिरी इनका पूरा नाम हुआ करता था। ये आपका पहला पॉइंट। अगर दूसरे पॉइंट में आए तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भारत के चौथे राष्ट्रपति, ये भारत के चौथे राष्ट्रपति बने, बराह गिरी वेंकट गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी बने। अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि भारत के भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति। अगर पांचवें पॉइंट की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल
1969 से 1974 ईस्वी तक रहा, 1969 से 1974 ईस्वी तक रहा। छठे पॉइंट की बात की जाए तो, अगर छठे पॉइंट की बात की जाए तो यहां पे ये कहा जा सकता है कि जब ये राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होते हैं 1974 ईस्वी में, तो 1975 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला। 1975 ईस्वी में बीबी गिरी को भारत रत्न मिलता है। चलिए एक पॉइंट फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगर सातवें पॉइंट की बात की जाए बाबू, सातवें पॉइंट की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। अगर आठवें पॉइंट की बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि 1952 में गठित केंद्र सरकार में ये श्रम मंत्री बनाए गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी विचारधारा श्रमिकों से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से जब नेहरू के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था तो उसमें इन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था। नौवें पॉइंट की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, लेबर लेबर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री इंडियन लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। अब एक पॉइंट इसमें और कहा जोड़ा जा सकता है दसवें पॉइंट के रूप में, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद दसवें पॉइंट के रूप में इसमें एक पॉइंट और जोड़ा जा सकता है और वो पॉइंट क्या होगा इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए लास्ट पॉइंट के रूप में हम लोग कह सकते हैं, दसवें पॉइंट के रूप में यह कहा जा सकता है, जो दसवां पॉइंट होगा कि बीबी गिरी के समय में ही दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई।
इन्हीं के समय इन्हीं के राष्ट्रपति रहते हुए तीन दिसंबर 1971 ईस्वी तीन दिसंबर 1971 ईस्वी को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। ये दूसरी बार ऐसा हुआ था जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और इस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे बराहगिरी वेंकट गिरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं मेरी नजर में एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसको देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा, नहीं पसंद आता है फिर भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊं तो उसमें कुछ संशोधन आपके लिए कर सकूं। धन्यवाद।